10 घंटे तक जिंदा थी माँ। कातिल बेटा बार बार दरवाजा खोलकर विक्टिम को तड़पते हुए देखता था। लखनऊ के पबजी हत्याकांड में माँ की हत्या करने वाले नाबालिग बेटे ने कबूला कि उसने रात को 2 बजे माँ को गोली मारी थी, लेकिन दोपहर 12 बजे तक वो जिंदा रही, तड़पती रही। मौत होने के इंतजार में वो बार बार दरवाजा खोलकर माँ को तड़पते हुए देखता था, फिर कमरे का लॉक बंद कर देता था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ADCP काशिम आब्दी ने बताया कि साधना सिंह की हत्या करने वाले उसके 16 साल के बेटे से दोबारा पूछताछ की गई। उसमें उसने बताया कि 4 जून शनिवार की रात वह माँ के साथ ही सोया था, पिस्टल उसी कमरे की अलमारी में रखी थी। माँ के सिरहाने से चाबी निकालकर करीब 2 बजे अलमारी से पिस्टल निकाली। पिस्टल के साथ ही मैगजीन और बुलेट रखे थे। मैगजीन लोड करते हुए हाथ कांप रहे थे क्योंकि इससे पहले कभी रियल गन नहीं चलाई थी।